हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए ये प्यारी सी शॉल बनाएंगे ठाकुर जी के, राधा रानी के लिए, माता रानी के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम शॉल बनाना बताएंगे। तो उसके लिए हम देखिए ऐसे करके लूप लेंगे और यूं करके हमें ये निकालना है और इसमें हम चेन बना लेंगे। तो ऐसे करके चेन बनाना है तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये 42 करके हमने ये चेन कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमें देखिए क्या करना है, हम वन चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया में बनानी है। पहले वन सिंगल क्रोशिया, तो हर चेन में जाके हमें वन वन बार सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है ऐसे करके। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे करके हमने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऐसे वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हमें ये देखिए हम यहाँ पे आएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक तो ऐसे करके हमें वन वन टाइम सिंगल क्रोशिया करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। हम पूरा सिंगल हमने क्रोशिया से सेकंड रो भी कंप्लीट किया। हम लास्ट में आ गए, यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बना के अब वर्क को हमें टर्न करना है। तो वन चेन लेंगे और टर्न करेंगे, तो पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, वन चेन, फिर इसको स्किप कर देंगे, जस्ट बगल में हमें सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी, फिर वन चेन। फिर वन चेन, वन स्किप, सिंगल क्रोशिया, वन चेन, वन स्किप, सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करना है। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और हमने वन चेन, वन सिंगल क्रोशिया, एक बार नीचे वन चेन। अब ये जो चेन हमने बनाई थी इसी में हमें ऐसे करके डबल क्रोशिया का हाफ बनाना है, फिर लूप लेना है, फिर डबल क्रोशिया का हाफ लेंगे ऐसे करके। फिर से हम डबल क्रोशिया का ये हमने हाफ ले लिया, हाफ लेने के बाद फिर लूप लेंगे, लूप लेके फिर डबल क्रोशिया का हाफ ले लेंगे। हाफ लेके तीनों को हमें एक साथ निकालना है, चेन बनानी है, फिर चेन वाले में जाएंगे और यहाँ से फिर से हम डबल क्रोशिया हाफ, फिर डबल क्रोशिया हाफ, फिर डबल क्रोशिया हाफ। तो ऐसे करने के बाद तीनों को हमें एक साथ निकाल देना है, फिर चेन बनाना है, चेन बना करके लूप लेंगे, लूप लेकर के हमें डबल क्रोशिया हाफ, फिर डबल क्रोशिया हाफ, फिर डबल क्रोशिया हाफ, ऐसे करके करने के बाद एक साथ निकाल देना है। फिर चेन लेना है, वन चेन लेना है, वन चेन लेने के बाद फिर से देखिए हम जहाँ हमने वन चेन बनाया था वहाँ पे आएंगे और ऐसे करके हाफ करके कंप्लीट करना है। और निकालने के बाद हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद फिर से हमें वन हाफ डबल क्रोशिया, फिर वन हाफ डबल क्रोशिया। लूप में देखिए मेरे पास हम टू बार हम ले रहे हैं तो टू बार हमारे पास लूप में है, फिर हाफ क्रोशिया और हमारे पास वन टू थ्री है और एक लूप था। तीनों को एक साथ निकाल के ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वन चेन लेंगे। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। फिर देखिए हम वन चेन लिया, वन चेन लेने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया ऐसे हाफ निकालेंगे वन टाइम, फिर डबल क्रोशिया हाफ, पूरा नहीं निकालना है और एक साथ हमें लगाया तो ये टू टाइम, फिर डबल क्रोशिया हाफ थ्री टाइम और एक साथ निकालने के बाद ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे और फिर से ऐसे बनाएंगे। ऐसे करके हमें ये एक साथ निकालना है और इसको ज्वाइन कर देना है।
वन चेन, और वन चेन लेने के बाद यहाँ पे हम वन हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया वन हाफ, फिर डबल क्रोशिया वन हाफ करने के बाद एक साथ निकालेंगे, ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे और ऐसे करके फिर से देखिए वन हाफ डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया, फिर वन हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद एक साथ निकालना है और चेन बनाना है फिर। तो ऐसे करके हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। थ्री बार निकालना है हाफ डबल क्रोशिया और एक साथ निकाल के ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो हम ऐसे करके लूप लेंगे, लूप लेके हमें सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया हाफ बार बनानी है, वन टाइम, टू टाइम एंड थ्री टाइम, और बनाने के बाद सबको एक साथ निकाल देंगे और ज्वाइन कर देंगे। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया ऐसे करके थ्री टाइम हमें हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है और सबको एक साथ ज्वाइन करके चेन बना लेंगे। वन टाइम, टू टाइम करके इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक है, ये हमने डबल क्रोशिया करके कंप्लीट किया है। अब हमें वर्क टर्न करना है और टर्न करने के बाद हमें वन चेन लेना है और डबल क्रोशिया हमें वन वन टाइम हर चेन में जाके बना लेनी। तो ये ऐसे करके हमें वन वन टाइम जो चेन है उसमें भी हम जाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, फिर वन टाइम, तो ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये रो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जहाँ येलो एंड करके हम यहाँ पे पर्पल ऐड करेंगे, तो ये ऐसे करके हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसको खींच देंगे। ठीक है, और खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, तो वन सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आना है, लूप लेंगे, लूप लेके हमें ये ऐसे करके निकालना है और निकाल के हमें ये फ्रंट पोस्ट बनाना है ऐसा। बनाने के बाद फिर सिंगल क्रोशिया, वन टाइम, और फिर लूप लेंगे ऐसे करके, बनाने के बाद ऐसे करके इस तरह से हमें करना है। तो ये मेरी कली जैसी देखिए निकल आएगी और ऐसे ही कंप्लीट करना। इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे पूरा।
ऐसे करके हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हमें वर्क को टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब ये हमें सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन लेंगे, वन स्किप करेंगे, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन चेन लेंगे और वन स्किप करेंगे, फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अभी कल डाटा था ना, फिर वन चेन लेंगे और वन चेन लेने के वन स्किप करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद वन स्किप करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट करना है। वन चेन लेना है और वन हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर वन चेन लेंगे, फिर वन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं करेंगे। और येलो ऐड करने के बाद हमें ये ऐसे यहाँ नीचे से पिक कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर एक बार ऊपर से सिंगल क्रोशिया करनी है, एक बार अंदर से करनी है। देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये थ्री रो कंप्लीट कर ली डिज़ाइन की। अब हम तो देखिए अब हम ये डार्क पर्पल लगाएंगे और यहाँ पे हमें इसमें यहाँ पे हमने ये देखिए ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है पूरा। और अब ये हम लगा रहे हैं ऐसे करके लेंगे और यूँ हमें थ्रेड पर्पल वाले को खींच लेना है और फिर बाद में हम इसको कट कर लेंगे सब। तो हमें देखिए क्या करना है, पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन। थ्री चेन लेने के बाद अब हमें ये देखिए ऐसे हुक को डालना है और डालने के बाद हम इसमें पर्ल बनाएंगे और पर्ल बनाने के बाद हमें यहाँ पे ले जाके वन स्किप करेंगे और सेकंड वाले में हमें ये ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। ठीक, तो ये मेरा ऐसे देखिए सुंदर सा ये पर्ल आ गया। अब फिर से मैं वन चेन, टू चेन, थ्री चेन, थ्री चेन लूँगी। इसमें ऐसे हुक को ऐसे करके हमें ये सिंगल स्टिच में ही डालना है और ऐसे स्लिप नॉट करना है। वन स्किप करेंगे, सेकंड वाले में जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हमें ये पूरा किनारी बनानी है। वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन। थ्री चेन बनाने के बाद ऐसे करके हमें हुक से इसमें डालना है और इसको ऐसे कर लेंगे वन स्किप और यहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरी शॉल कंप्लीट हो गई है। हमने ऐसे करके चारों तरफ से किनारी बना दी है और देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।